तो आज का प्रोग्राम है डिबगिंग और टेस्टिंग आज जो वाच करने वाले हैं ये लगातार हैं तो आप एक और सवाल का कि ये कितने लोगों ने पढ़ा है हेलो एवरीवन सभी को नमस्कार सभी को सत्याकाल सभी को आदाब और सभी को जय हिंद कैसे हैं आप लोग तो ये yes, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश और जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट है लाइक शिवानशु सब लोग गुड आफ्टरनून और सबसे पहले आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी सरस्वती पूजा है हाँ ना सो so, आज के दिन की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं बढ़िया से तो सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून और जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं आज क्या रहेगा खास तो आज हम लेके आए हैं ए एल पी के वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हम लोगों ने कल क्लास में स्टार्टिंग की थी सर वो थी स्टडीज से रिलेटेड तो आज कुछ स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जैसे मुझे कुछ डेप्थ में कुछ समझाना भी है उसके बाद में सेल वाले चैप्टर पे आऊंगा यानी कि आज हमारा चैप्टर नंबर टू स्टार्ट होगा राइट रोहित हुसैन बाबा उमाशंकर जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं सबको गुड आफ्टरनून लेट स्टार्ट तो सबसे पहले तो वेलकम टू अड्डा फोर सेवन देन जितने लोगों ने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया फटाफट फड़ से ऐप को डाउनलोड कर लेना क्योंकि कल की पीडीएफ मैंने भेज दी है तो आप लोग मुझे देता हूं, राइट? So, then, सर जितने लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर लो और शुरुआत करते हैं अपने सेशन की जहां पे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपको कल दिया था दीपी रोहित हुसैन बाबा डू रिमेंबर सवाल था फॉलोइंग डिसिप्लिन ऑफ मेडिकल साइंस इज रिलेटेड टू दीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लिवर अब अगर आप लोगों को याद हो लिवर जिसको हम लोग सर जिगर भी कह दे रहे हैं so यहां पर लिवर की बात कर रहा हूं यकरत की बात कर रहा हूं तो लेवर या यकरत यहां से एक इंपॉर्टेंट सर कोई जूस निकलता है नाम क्या है so, नाम है बाइल जूस हिंदी में कहते हैं पित्त रस अब ये जो पितरस निकलता है अब है शिवांशु सिद्धगी सब लोग सही आंसर दे रहे हैं ये पितरस निकलता तो यकृत में से है लेकिन अब लिवर के भी अगर डेप्थ में चला जाऊं तो वहां पे सर सेल का नाम पूछ लिया जाता है तो सर बाइल जूस जो निकलता है लेवर के वो एक सेल है जिसका नाम क्या है हिपेटिक सेल और इसी में एक डक्ट भी है इफ यू नो सही डक्ट्स के नाम भी पूछ लेता है और उस डक्ट का नाम है हिपेटिक डक्ट तो सर अब मैं यहां पर जब हिपेटिक डक्ट की बात कर रहा हूं तो मुझे फील आ रहा है हिपेटिक से कुछ तो लिंक कर सकता हूं और वो क्या है अगर मैं हिपेटिक वाले पार्ट से लिंक करूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है डेट इज हिपेटोलॉजी राइट तो यहां से हम लोग लिंक कर सकते हैं और पेपर में भी ना आपको भी इसी तरीके से लिंक करते हुए पेपर में आगे बढ़ना है तो यहां पे आंसर क्या होगा सही आंसर होगा हिपेटोलॉजी तो ऐसा नहीं केवल लिवर के लिए इवन आपसे अगर पूछ रहे ना गोल्फ लेडर के लिए तो भी आंसर सेम होगा तो मैं यहां पर सामने लिख देता हूं ये तो ए में पूछा था किस लेवर का लेकिन अगर आपसे गॉल ब्लेडर का पूछ ले तो भी आप सेम ही नाम बताएंगे वो है हिपेटोलॉजी अभी जो गॉल ब्लेडर है सर इसकी भी कुछ थोड़ी सी बात हो जाए तो पेपर का एक फेवरेट सवाल है ए का ही फेवरेट सवाल है कि सर जो भित्त है कहाँ से निकलता है सबको पता है सर यकृत में से यानी लेवर में से लेकिन स्टोरेज कहाँ होती है तो उसका जो संग्रहालय है, है एक तरह से संग्रहण जो उसका होता है वो सर गॉल ब्लैडर में ही होता है ठीक है तो सर यहां पे आप लोगों ने क्या क्या आंसर दी एक बार देख लेते हैं तो सबसे पहले अर्पिता ने बताया सर हमको टॉपिक वाइज चलना है ठीक है उसके बाद रक्षक चाह रहे थे मिक्स क्वेश्चन तो यहां पर सर कोई टॉपिक वाइज कोई मिक्स क्वेश्चन तो अभी हम वोटिंग करा लेंगे इसके बाद हर्षिता का आंसर आया था हिपेटोलॉजी बिल्कुल सही हर्षिता और उसके बाद शेवाशु बाबा हमेशा की तरह बिल्कुल सही बी फॉर बड़की भाभी सुधर जा लड़के तो डेट इज बी इज दी करेक्ट आंसर चलिए सर अगला प्रश्न है आपके लिए ये चलिए तो अब यहाँ पे सर कुछ मैंने अलग सा पूछा है एक्चुअली मैंने नहीं पूछा है ये जो बात पूछी गई है ये ए के सवाल में पूछी गई है तो सर ए में क्या पूछा था दो का पेपर है वॉट इज ब्रांच ऑफ बायो रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म तो जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कौन सी है टेक्सोनोमी नोथोलॉजी एनाटॉमी या फिर लिम्नोलॉजी मैक्सिम चीजें हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं तो यहां पर देखते हैं कौन यहां पे सही आंसर देगा आंसर प्लीज <laughs> तो शिवानी जा रही हैं सी के साथ रोहित जा रहे हैं सी के साथ, साथ अविनाश हमारे बी के साथ जा रहे हैं देन हुसैन बाबा गजेंद्र सी के साथ जा रहे हैं हुसैन इज़ गोइंग विद सी ओके ठीक है तो पूरी की पूरी गैंग यहाँ पे सी के साथ जा रही है एनाटॉमी बेटा एनाटॉमी कल वसीम ने पूछा था फिर रिमेंबर मैंने आपको बताया सर एनाटॉमी वाले पार्ट पर जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या है सब बेसिकली पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी है वहां पे फिर मुझे डिटेल में देखना कि भाई साहब ये चीज ये हार्ट है ये चीज लिवर है तो उस वाले केस में एनाटॉमी के साथ जाता था तो यहां पे जितने लोग एनाटॉमी के साथ जा रहे हो एनाटॉमी तो आंसर नहीं है सर क्योंकि हमने कल ही डिस्कस किया है आनंद और बाकी लोग फटाफट से मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए तो एनाटॉमी इज नॉट द आंसर आदित्य नो जल्दी प्लीज वेटिंग फॉर द आंसर अच्छा चलो एक टर्म आता था ऐसे करके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन याद आया जहां पर जीवों को वर्गीकृत किया था अलग अलग भाग में अब तो याद आ रहा है सर फंग एनिमल प्लांट मोनेरा प्रोटिस्टा याद आया अब सर ये जो टर्म आ रहे थे ये सर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था आर एच वीटी का डे अब सर यहां पे मैं कार्ड ले की बात कर लेता हूं सर टेक्सोनिस्ट याद आ रहा है तो सर अगर हम लोग बात करें ब्रांच ऑफ बायो जो डील कर रही है विद दी क्लासीफिकेशन ऑफ और ऑर्गेनिज्म वो कौन है अब सबके सब सही गए तो यहां पे जो आंसर है वो है टैक्सोनोमी और ये जो कार्यकर्ता है यानी ये जो सर क्लासिफिकेशन करेंगे उन लोगों को क्या बोलोगे तो उन लोगों को बोला जाता है बेटा टैक्से क्या बोलते हैं टैक्से अच्छा मुझे एक बात बताओ ये आज पहली बार ऐसे गलत आंसर एकदम सामूहिक गलत आंसर क्यों आए हैं ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट वाले लोग नेगेटिव वाइब्स ला रहे हैं क्या सर आज वैलेंटाइंस डे है तो आज फिर ना हम क्योंकि मैकेनिकल वाले हैं तो प्लीज़ भावनाएं समझो सर अगर ऐसा है तो फिर वो बताओ तो फिर उसके लिए भी सर कुछ बातचीत करी जाए सर so, प्लीज़ याद रखिएगा अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म तो ये कौन देखेगा सर ये देख रेख करते हैं टेक्सनोमिस्ट राइट right? तो ये जो नाम दे रहे हैं ये सब क्या हो गए सर ये जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ये सब टेक्सनॉमिस्ट होते हैं अब सर यहाँ पे मैं ज़रा एलिफेंट की बात करता हूँ अब जैसे हाथी है तो हाथी का नाम जानते हो क्या है चलो कौन मुझे बताएगा वॉट इज़ द नेम ऑफ एलिफेंट अब आपके सामने एक नाम लिखा है आप कहेंगे सर हाथी का नाम तो हाथी होता है और कौन सी नई बात बता दी आपने मैं यहां पर एक टर्म यूज करता हूं बाय बाय नोमियल नोमन क्लेचर आप क्योंकि पेपर पूछा जगह तो समझाना जरूरी है सो so, गुरुदेव अगर मैं यहां पर बात करूं बाय नोमियल नोमन क्लेचर तो ये बाई शब्द से क्या समझ में आया बाई से समझ में आया बेटा दो अब नाम की भी अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पे देखो एलिफस Maximus. अब अभी मैं क्यों समझा रहा हूं यहां पर ज़रा एलिफस मैक्सिमस वाले पार्ट पर चलते हैं और एलिफस मैक्सिमस समझेंगे सर जो पहला नाम लिखा होता है ना ये होता है जेनस ये रिप्रेजेंट करता है जेनस और मैक्सिमस रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज अब आप कहेंगे सर एक सेकेंड अभी थोड़ा सा डिटेल में और बताइएगा तो अब सर डिटेल में चलते हैं ज़रा हाथी के बारे में जरा ध्यान से समझ ले तो ये है आपके सामने एलिफेंट अब मैंने सर अभी बोला एलिफस मैक्सिमस तो यहां पर सर ज्यादा देखो जेनस कौन सा है एलिफस स्पीसीज कौन सी है मैक्सिमस मैंने यही बताया था तो पेपर में यहां पर ऐसे पूछ लेता है राइट बिल्कुल। उसे वल, राइट बिल्कुल बाबा एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट एज वेल चलो तो मैं वापस आता हूं तो अगर मैं जेनस की बात करूं वो है एलिफस स्पेसीज मैक्सिमस तो याद करने का कोई तरीका है क्या कोई भी हो जैसे बिल्ली है बिल्ली का नाम होता है फेलिस कैटस नीम का पेड़ है आजादी राचा इंडिका तो सर ये जो दो दो नाम आ रहे हैं सर ये दो नाम एक्चुअली पहला जो नाम है वो जेनस होता है दूसरा स्पीसीज होता है इसके लिए कोई ट्रिक है क्या बिल्कुल है ट्रिक है सर हमारे पास जी एस ये हमारी हो गई ट्रिक जहां पे जी बोले तो जेनस एस बोले तो स्पीसीज यानी सबसे पहले जेनस आएगा फिर स्पीसीज आएगा अब अगर मैं हाथी की बात करूं तो सर जेनस एलिफस है स्पीसीज मैक्सिमस है फैमिली की बात करें तो एलिफेंटेड है उसके बाद ऑर्डर की बात करूं प्रोबोस ये है उसके बाद क्लास की बात करूँ तो मेमलिया है मेमल वाली कैटेगरी हो गई फाइलम की बात करूँ तो कॉर्डेटा है अब आप कहेंगे सर कॉर्डेटा हाँ जिसकी रीढ़ी की हड्डी होती है यानी पीछे रॉड जैसी संरचना होती है कॉर्डेट्स में आएगा और किंगडम की बात करूँ तो एनिमल आए तो अब पेपर का एक और सवाल आर आर बी एल पी का पूछा हुआ है ये मैं आपको एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में फिर से पूछूंगा कि सर कितने भागों में विभाजित होता है अगर मैं ये टेक्स नंबर कैटेगरीज की बात करूँ तो कितनी कैटेगरीज होती हैं टोटल होती हैं सात कितनी सेवन अब याद करने का तरीका क्या है याद करने का तरीका है दीपी नोवा जीत आनंद क्या है आपको याद रखना है सारी गर्लफ्रेंड्स आज तो अच्छे से याद हो जाएगा सारी गर्लफ्रेंड ऑर्डर देती हैं कहां पर क्लास में के पी के मताना क्या कहती हैं सारी गर्लफ्रेंड्स ऑर्डर देती हैं क्लास में पी के मताना जिसमें से के का मतलब हो गया किंगडम तो मैं एक बार लिख देता हूं आपकी ट्रिक हो गई एग्जाम में ना सीक्वेंस ऑर्डर ही पूछ सकता है राइट सो so, हुसैन अभिनाश जितने भी लोग यहां पे प्रेजेंट हैं सारी गर्लफ्रेंड ऑर्डर देती हैं क्लास में है, पी के मत आना तो सर से क्या बना स्पेसीज़ देख रहे हो सबसे पहले स्पेसीज जी से क्या बना जेनस एफ से क्या बना फैमिली ओ से क्या बना ऑर्डर क्लास क्लास सामने है पी से फाइलम और के से किंगडम तो ये सीक्वेंस ऑर्डर इस तरीके से पूछ लेता है आई गेस ये चीज़ याद रहेगी तो आज के बाद भूलना मत तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है सर कितने टेक्सनॉमी कैटेगरीज हैं टोटल है सेवन सीक्वेंस ऑर्डर भी हमको याद हो गया सर सबसे बड़ा वाला का वार्ड कौन सा हो गया वो हो गया किंगडम आई गेस इट इज सॉर्टेड चलिए तो इतनी चीज़ क्लियर है तो अब आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने यहां तो आंसर हो ही गया हमारा टेक्सनॉमी अगला प्रश्न है ये इज बेसिकली रिलेटेड टू डैश आप सर इसका बताओ स्व अविनाश गजेंद्र शिवानशु शिवानी सर क्या कह रहे हैं सर आपने हाथी की पीठ पर लिख दिया अच्छा कोई नहीं अब वहाँ से मिटा लेंगे ठीक है आदित्य चलो अब यहाँ आ जाओ आगे बताओ और जितने लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया फटाफट फड़ शेयर कर लो क्योंकि सर प्रीवियस प्रीवियली क्वेश्चन उठाए हम लोग टॉपिक वाइज जा रहे हैं जिससे हमारा डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज टॉपिक हमको समझ में आता रहेगा किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और हमें किस लेवल की तैयारी करनी है राइट तो आज हमारा दूसरा डे है जहां पे अभी मैं सेल वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ चलो इसका आंसर दो तो टेक्सटोम किससे संबंधित है अभी अभी हमने देखा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी यानी उसमें सर एनिमल्स भी आ रहे थे इसमें सर प्लांट्स भी आ रहे हैं इसमें सर फिर बाकी बैक्टीरियाज़ भी आ जाएंगे यानी मैं किडम मोनेरा की बात कर ले रहा हूं तो इतनी सारी चीज़ें जो आपको सामने दिख रही हैं ये सब किस में आएगा सर हम लोग यहां पर बात करेंगे बायोडायवर्सिटी की बिल्कुल तो हुसैन बाबा शिवानशु इंजीनियर साहब अविनाश विवेक सौरभ सब लोगों को बोलूंगा जहां पर ना तो सिगरेट हो बिल्कुल सही सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बायोडाइवर्सिटी क्योंकि सर यहाँ पर सभी चीज़ें आ जाएंगी चाहे वो कोई भी जानवर हो मछली हो चिड़िया हो सबके सब सर बायोडाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं तो डैट मींस टेक्सनॉमी किससे संबंधित हो गई इज रिलेटेड टू दायोडाइवर्सिटी सॉर्टेड तो जीत दीपी का इंजीनियर साहब हुसैन बाबा विवेक सबको समझ में आया कूल नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने हो गया ये जूलॉजी किससे संबंधित है अब तो सर ये तो बच्चों वाला सवाल है ये तो बता ही सकते हैं अरे दीपी यू आर ऑलवेज करेक्ट चलो सजीत so, नोवा आनंद अविनाश क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ वॉट अब देखो अभी अभी मैंने आपको बताया सर लॉजी का मतलब हमने कल ही डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर जो लॉजी शब्द होता था लॉजिक का मतलब होता था सर अध्ययन करना यानी इंग्लिश में अगर मैं कहूं इट मींस टू स्टडी राइट अब सर इसमें मैंने ये चीज कल ही डिस्कस की थी जू में जाओगे तो जू में क्या देखने को मिलेगा चिड़ियाघर की बात हो रही है चिड़ियाघर में हमको देखने को मिलेंगे एनिमल्स यानी जानवर और उन जानवरों से हम भी जानवर हैं राइट सो जू से याद हो जाएगा एनिमल्स तो और संबंधित विद एनिमल्स तो जितने भी लोग सर डी के साथ जा रहे हैं नोवा जीत दीपी हुसैन बाबा डी फॉर दीप नहीं सर फिट वाले बिल्कुल तो धन्यवाद बिल्कुल सही आंसर है डेट इज एनिमल्स लेकिन अभी इसमें भी ये इन्फेंट क्वेश्चन होगा बिल्कुल आ देते बट अब यहीं से सर आपसे पूछ लिया इसके जनक कौन है फादर तो आ जाओ सर इनके पिताजी के बारे में जान लें तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है फादर ऑफ जूलॉजी है बेटा अरस्तु एर इंग्लिश में एरज हिंदी में अरस्तु ये भी सॉर्टेड है अब सर मुझे एक चीज और जाननी है ये तो सर आपने जूलॉजी की बात कर ली आपके सामने एनिमल्स है क्वेश्चन ये है बॉटनी के फादर कौन है इनके पिताजी बताओ सर इनके पिताजी कौन होंगे जल्दी फटाफट सो हु इज द फादर ऑफ बॉटनी बॉटनी के जनक कौन है एक बार फटाफट से आंसर दो सो थैंक यू एक एक बच्चा सही दीपी देखो हम लोग भले इंसान हो आपको पता रहना चाहिए वी आर अमंगस्ट एनिमल्स हम लोग एनिमल की कैटेगरी में आते हैं तो एनिमल किंगडम में है हम लोग चलिए, so, नहीं होगा इंजीनियर साहब यहां पर जो आंसर है वो होगा संबंधित तो है सर, ये से ये प्लांट से जैसे होता है जीव विज्ञान ये पादप विज्ञान हो गया और इसके जो जनक है, है थियोफ्रेटस चलो बहुत बढ़िया तो यहां पर डी ऑज दी करेक्ट आंसर अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए अगला क्वेश्चन है सर ये इसका जवाब दो वॉट इज दी ब्रांच ऑफ साइंस डे डील्स विद दी लाइफ और पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ बियड दी अर्थ सर विज्ञान की वो शाखा जो जीवन या पृथ्वी के परे जीवन की संभावनाओं से संबंधित है अब सर यहाँ पर मुझे कोई एलियंस दिखाई दे रहा है सो so, अच्छा कोई नहीं भाव देखो आदित्य भावना समझ में आनी चाहिए हमको सीधे माँ टिक करके आना है और वहां पे आप टिक कर ही दोगे सो so, अविनाश कोई नहीं दीपी आपने मैथ्स पढ़ी है so, यहाँ पे बाकी जो इंजीनियर्स हैं उन उन लोगों ने भी वहाँ पे बायो ना टेंथ के बाद ही छोड़ दी थी चलिए सो so, विवेक इज गोइंग विद बी शिवानी बी के साथ हैं गजेंद्र बी के साथ हैं सिद्दगी बी के साथ जा रहे हैं शिवानी सी के साथ हैं तो बी मैक्सिमम लोग बी के साथ हैं अब सुनते हैं सर हम लोग छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं एग्जो का मतलब बाहर की बात हो रही है सही है सर अगर मैं बायो की बात करूं बायो का मतलब लाइफ या फिर जीवन की बात हो रही है राइट right? इसी में अगर मैं सर और क्या बच गया लॉजी लॉजी का मतलब सर स्टडी करने की बात हो रही है अब सर अगर मैं इतने वाले पार्ट पे भी जाऊं तो भी मेरा लॉजिक क्लियर हो गया माइकोलॉजी जो है वो से है येवांशु yes, मतलब जहां पर ना तो सी तो ग्रेट हो सो so, यहां पे साफ साफ समझ में आ रहा है सर एलियन बाबा खड़े हुए हैं सो धड़कने सुन रहे हैं अर्थ की सो so, बेसिकली सब पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ देखो श्योरिटी तो है नहीं के बाहर जीवन है भी कि नहीं बट हम लोग सर मार्स पे बाकी सब चीज़ों पे चीजें पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं पता लगा रहे हैं यहां पे क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वी आर इवन सर्चिंग फॉर लाइफ तो सर पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ तो सर एग्जो बाहर लाइफ सर बायोलॉजी स्टडी सो एग्जो बायोलॉजी ये क्या बताएगा सर वो ब्रांच साइंस की डील्स विद द लाइफ और पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ यानी अर्थ के बाहर राइट सब लोगों को भावना समझ में आ गई ये वाला पार्ट भी क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, यहाँ पे हमारे अननेम्ड का डाउट आया है सो so, इतनी चीज क्लियर हो गई अननेम्ड ये तो आप ना आज सपने में सोच लेना और पूछ लेना तो आपको पता लग जाएगा ठीक है अननेम्ड चलिए इतना हो गया आगे बढ़ लेते हैं अगला प्रश्न है बेटा ये डैश इज अ स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स एंड ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज मंकी एप्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा सो so, अब आपके पास है सर चार ऑप्शन बताइए फटाफट फड़। क्या होना चाहिए आंसर थोड़ा जल्दी से प्लीज एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट बिल्कुल सही एब्सोल्युटली करेक्ट सो यहां पर क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए आंसर सर आ, अभी न ठीक है ठीक है मैं एक बार टीम से बात करता हूं आप बस लास्ट में ना कमेंट सेक्शन में छोड़ देना अपना पॉइंट मैं फिर बात करता हूं सो so, यहां पर मुझे फटाफट फड़ से आंसर दो क्या लगता है आपको जल्दी से प्लीज वेटिंग फॉर द आंसर हां तो यहां पे सब लोग जा रहे हैं ए के है साथ अच्छा ऐसा है क्या अरे नाराज नहीं होते हैं अननेम्ड चलो वापस आते हैं सब लोग जा रहे हैं ए के है साथ बेटा एंथ्रोपोलॉजी वाला पार्ट पर अगर मैं जाऊं तो नो यहां पे जो आपसे स्टडी पूछ रहा है द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स एंड ह्यूमन लाइक स्पीसी जैसे कि मंकीज हो गए एप्स हो गए फॉरेस्ट फौरे, पे फॉरेस्ट वाले एनिमल्स हो गए तो ये सब आएंगे सर आपके प्राइमेटोलॉजी में किसमें प्राइमेटोलॉजी सो so, इतनी रिस्क लियर अब यहां पे इसके ना अलग से डिस्कशन करता हूँ अननेम्ड आपसे अभी यहां पे इसे खत्म कर लेते हैं पहले सो so, क्या ये चीज सॉर्टेड है अब सर आगे बढ़ लेते हैं और फिर मैं अननेम्ड से ज़रा थोड़ी सी बातचीत कर लूं अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स यानी मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा सर इसका आंसर दो फटाफट सो so, यहां पे अननेम्ड देखो इसका पीछे का आंसर पहले ना इसके दो आंसर दे, दे देते हैं जब तक ये बच्चे आंसर दे रहे हैं पहली चीज़ कि सपनों में इसलिए पता लग क्योंकि ना जो चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो सपनों में ही मिल पाएगी राइट right? पहला पॉइंट दूसरा हम लोग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं वो उसके बारे में पढ़ लें वो ज़्यादा बेटर होगा और तीसरी और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि गर्लफ्रेंड जैसी चीज ना एग्जिस्ट नहीं कर रही है मेरी लाइफ में द रीज़न इज कि ना दो में आई वॉज मैरिड सो इट्स फाइव ईयर्स इन अ रो जहाँ पे आई एम ऑलरेडी मैरिड ठीक है सो आई हैव वाइफ और अभी ना एक्चुअली क्या है कि शी इज वन वो एक्चुअली केयर्स फॉर एवरीथिंग इवन उन्हें ये भी पता है कि ना मेरा लगातार लेक्चर जाते हैं दस से पाँच जिसमें दस मिनट का गैप रहता है जैसे दस पचास पे लेक्चर छूटेगा फिर ग्यारह में स्टार्ट होगा सो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू तो इन्होंने दस मिनट के गैप में ही ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं सो एक्चुअली मैं अब दिखाई देता हूँ जब आपने बोला ही है तो सो आई हैव समी गिफ्ट जो गिफ्ट्स के बारे में मैं जानता भी लूँ वोट आर दे अभी मैं घर जा के सो दीज आर समी गिफ्ट विच आई एव एक्चुअली रिसिव्ड इन दफिस मुझे भी नहीं पता मैंने अभी ना ये आपके सामने आया तो मैंने अब खोल ही लिया है फिर अब ना सो so, मैं सबके सामने फिर कह ही देता हूँ सो थैंक यू मेघा फॉर एवरी थिंग एंड थैंक यू फॉर बींग इन माई लाइफ सिंस टू थाउजेंड एटीन सो दी थिंग्स आई एक्चुअली रिसिव अभी मैं ओपन करके देखूंगा मुझे भी नहीं पता होना वेरी सीरियस नोट वॉटर दे और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिस डेट वॉज दिस सो थैंक्स अ लॉट फॉर बींग इन माई लाइफ सो एक्चुअली शी केयर्स फॉर एवरी थिंग शी इज अ वर्किंग वुमेन शी नोज हाउ टू मैनेज दी टाइम शी नोज हाउ टू कोक शी इज़ एक्चुअली परफेक्ट सो दिस इज़ दौनली पॉइंट आई वॉन्ट टू कीप सो नेम्ड आई गेस योर पॉइंट इज क्लियर सो अगेन आपके ही माध्यम से इंडायरेक्ट वे में डायरेक्टली बता देता हूँ कि ना बाकी सब चीज़ें बाद में बोलूंगा आफ्टर दी क्लासेस पाँच बजे के बाद हम लोग मिलने वाले हैं लेकिन अभी के लिए थैंक्स अलॉट फॉर ऑल दीज गिफ्ट्स चलो वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पर सो so, हाँ मैं कुछ डिस्कस कर रहा था आई वॉज डिस्कसिंग अवॉट स्पाइडर सो आप इतने वाले पॉइंट पर आते हैं सर ये जो स्पाइडर की स्टडी की हम बात करते हैं सो वॉट इज इट सो फटाफट से मुझे बताएंगे सो इज़ इट आर्कोनोलॉजी इज इट एंथ्रोपोलॉजी इज इट एपियोलॉजी या फिर साइनोलॉजी जल्दी से प्लीज हाँ भाई मैम नहीं चलो अब यहां पर ठीक है ठीक है अब न पक्का डन अब यहां पर सर जितने भी लोग ए के साथ जा रहे थे दैट इज आर्कनोलॉजी एक एक बच्चा सही था सर स्पाइडर्स एक्चुअली अगर उनसे संबंधित स्टडी हम करेंगे तो यहीं पर आएंगे अब सर स्पाइडर्स एक चीज दिमाग में आती है इफ आई टॉक अबाउट इंसेक्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर मैं इंसेक्ट से संबंधित बात करता हूं तो इंसेक्ट सर किस में आते होंगे देखो स्पाइडर और इंसेक्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है अब जैसे स्पाइडर्स के अगर मैं छोटे छोटे फीचर्स पे जाऊं और इंसेक्ट से लिंक करने की कोशिश करूं तो स्पाइडर में थोड़ा सा चेंज आता है हम लोग कम यूज करते हैं आर्थ्रोपोडा अब ये आर्थ्रोपोडा क्या होता है सर इफ आई टॉक अबाउट आर्थ्रोपोडा तो उसके अंदर सारे सारे कीड़े आ जाते हैं कीट वर्ग एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ए का कि सबसे बड़ा जंतु वर्ग कौन सा है तो लार्जेस्ट जो फाइलम है सर दैट इज वॉट दैट इज आर्थ्रोपोडा जिसके अंदर सभी जो भी आपके दिमाग में हाउस फ्लाई हो गया या फिर कीड़े हो गए जैसे कि इवन आंट ये सारी की सारी आपके आर्थ्रोपॉड वाले पार्ट में आती हैं राइट चलिए सर इतने वाले पॉइंट पर अनिम तुमने बोला तो भाई तुमने बोला इमोशनल करने के लिए तो मैंने किया चलो वापस आते हैं अब आ जाओ सर ये सौरोलॉजी क्या चीज है वर्ट इज सौरोलॉजी वैसे फटाफट से, से खत्म करते हैं फिर माइटोकॉन्डी वाले पार्ट पर आऊँगा सो so, एंटोमोलॉजी वॉज दी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स बिल्कुल सही अब है तो यहां पर जो आप एटोमलॉजी लिख रहे ना वो इन्सेक्ट से संबंधित हो गई तो वहां पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको बोला अब वहां पर स्पाइडर वाला पार्ट था सो so, आर्कोलॉजी चलो सर सो so, एक्नोलॉजी हो गया सेकेंड लार्जेस्ट मॉलस का होता है एप्सोल्यूटली करेक्ट अब सर ये किस से संबंधित है तो इसके लिए मैं आपको बता दू ये वो वाला आंसर होगा जिससे लड़कियां बहुत ज्यादा डरती हैं सो so, जल्दी प्लीज वेटिंग

क्योंकि स्टेम सेल्स मौजूद हैं तो इसकी वजह से क्या होता है ये जो पूछ है ना ये वापस से जनरेट कर आती है लेकिन ए का एक और सवाल जो आपसे पूछ लेता हूँ सवाल कुछ ऐसे पूछा गया था सर्दियों के समय सर्दियों के समय हमको छिपकली नहीं दिखाई देती कई बार आपने आपने भी गौर किया होगा कि ना सर्दियों के टाइम पर भाई साहब ये बिल्कुल गायब ही हो जाती हैं तो ये कहाँ गायब हो जाती हैं तो मुझे फटाफट से बताओ सर यहाँ पर याद रखेंगे सर वो मोड कहलाता है हाइबरनेशन वाला मोड दैट इज़ वॉट हाइबरनेशन सो अगर मैं सर इनकी बात करूं चाहे वो छिपकली हो चाहे वो मेडक हो यानी कि फ्रॉग ये सर लंबी नींद के लिए चले जाते हैं और एग्जाम में से पूछा इवन सेम चीज पोलर बियर्स के साथ भी है सो so, इसको बोलते हैं हाइबरनेशन यानी लंबी नींद में चले जाना तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा राइट चलो तो ये वाली चीज की बिल्कुल शेवानी डेट्स राइट right. अगले पॉइंट पर चलते हैं तो यहां पे जो आंसर था एडवास लिजार्ट अगला प्रश्न हाँ डैश इज अ रिटन डॉक्यूमेंट डेट ड्रॉस फ्रॉम रिसर्च डेपेक्टिंग एन एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर डैश एक लिखित दस्तावेज है जो एक मानव शास्त्रीय संस्कृति को दर्शाने वाले शोध से लिया गया है तो आपके पास चार ऑप्शन हैं क्या होना चाहिए सर एथनोग्राफी कल्चरल रिलेटिविज्म या फिर एथनो सेडरिज या फिर एथनो बॉटनी तो आपके पास है चार ऑप्शंस। लगता है क्या होगा आंसर यप ट्रू <क्षण> सो अब सर यहां पर हमसे पूछ रहे हैं so you have to tell what is य written document that draws from the research depicting an anthropological culture तो यहाँ पे आंसर क्या होगा रे वाह एक एक बच्चा यहाँ पे सही आ रहा है तो दीपी का शिव सैन बाबा एक एक बच्चा सही है बिल्कुल सही।, सही सर इसको बोलेंगे आप एथनोग्राफी ठीक है चलिए परफेक्ट तो सर अब हमारी हो गई स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे स्टडीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे आर आर बी ई एल पी और साथ में आर आर बी जेई से जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर देख लिए हैं अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग आ जाएंगे सेल वाले चैप्टर पर चलिए तो सर आगे बढ़ते हैं और ये पार्ट डन हो चुका है यस अच्छा सो बन सो जैसा कि मैंने आपको बोला था बसंत पंचमी के अवसर पर अड्डा ऑफर नाला ऐसे कैसे हो सकता है तो आपके लिए महापैक्स पर ऑफ़र है जहाँ पर आपको मिल रही है डबल वेलिटी सभी महापैक्स पर और साथ में फ्लैट सेवेंटी सेवन परसेंट जो लिखा है यू विल गेट सेवेंटी एट परसेंट ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं तो आपको करना क्या है आपको कोड लगाना है वाई सेवन टू थ्री अब अगर आप लोग इस बैच के साथ जाना चाहते हैं ए एल पी वाले बैच के साथ या आर आर बी जेई के बैच के साथ तो ज़रा इसका डिस्कशन कर लेते हैं आपको जाना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन की वेबसाइट पर उसके बाद अभी हम फिर सेल वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे जैसे ही मैं जाऊँगा अड्डा ट्वेंटी की वेबसाइट पर खुल जा समसम यहाँ पर मैं टैप करूँगा इसके अंदर मैं जाऊँगा ऑल कोर्सेज वाले पार्ट पर ऑल कोर्सेज में हम लोग जाएंगे सर ए जे एग्जाम और मेरी जो भी ब्रांच है ब्रांच सेलेक्ट कर लूंगा अगर आर आर बी के साथ जा है मुझे यानी जेई के साथ वर्णा मैं क्या करूंगा मैं जा सकता हूँ इलेक्ट्रिकल पर यहाँ पर सर शो कर रहा है मुझे आर आर बी तो यहाँ से मैं अपना आर आर बी जेई इलेक्ट्रिकल वाले बैच ले सकता हूँ ए एल पी के लिए आप किसी ब्रांच से सेलेक्ट कर सकते हैं बट अगर मुझे महापैक के साथ जाना है जिसमें सर कोई भी एग्जाम में ले सकता हूँ तो मेरी जो भी ब्रांच है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मान लो मैं मैकेनिकल जो फॉर एग्जाम्पल मैं जाऊँगा इंजीनियरिंग महापैक पर और महापैक पर अभी मिल रही है डबल वैलिडिटी यानी कि जो छः महीने के लिए कोर्स था वो बारह महीने के लिए और बारह महीने वाला कोर्स चौबीस महीने के लिए सो वट हैव टू डू जैसी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ बायनाओ पर जाऊँगा तो इसमें बीच में कोई भी एग्जाम आए पूरे उस ड्यूरेशन में दो साल के ड्यूरेशन में कोई भी एग्जाम आता है तो मैं सभी के लिए वैलिड हूँ वट हैव टू डू आई हैव टू जस्ट एंटर द कोड वाई सेवन टू थ्री और मुझे मिल जाएगा मैक्सिम डिस्काउंट राइट तो आई कैन यूज वाई सेवन टू थ्री एंड कैन अवेल मैक्सिम डिस्काउंट और साथ में डबल एल भी चलो सो so वापस आते हैं अपने पॉइंट पर सो so, अब आ जाता है सर ये प्रश्न ये प्रश्न आपका अगेन ये जेई का तो नहीं है हाँ. ये सर आपका पी का पूछा हुआ है सवाल है आपके सामने सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर म्यूसिस म्यूसिस अकर्स इन टू स्टेजेस एज अ कंसिक्वेंस ऑफ म्यूसिस नंबर ऑफ इज क्रोमोजोम दि रिजल्टिंग सेल्स ड्यूरिंग म्यूसिस जीन्स ऑफ पेरेंट से लग रहा होगा यह तो खतरनाक लग रहा है बताऊंगा इसके बारे में चलो सो so, यहां पर फटाफट इसका आंसर दो अच्छा शिवानशी को थैंक यू सो so, अब सर ये ए एल पी वाले क्वेश्चन मुझे नहीं लगता यहां पर कोई गलती करने वाले हैं सो so, शिवानी जा रही है ए के साथ ओके okay? अब देखो ए एल पी भी हमें घुमा लेता कई बार आप लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी में गलत आंसर मत दे देना टोटल बेटा चार हाँ टू पेयर सही देते तो प्रश्न ये है सर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट देखो गलती मत करना यहाँ पे ये टूटान देखो ये जान बुझ के आपसे ऐसे पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है वो आपसे सीधे ऐसे भी कह सकता था कि कौन सा कथन आपका यहां पे गलत है लेकिन भाई पेपर है गलत तो करवाए गई तो यहाँ पे एक्चुअली वो आपसे फॉल्स पूछ रहा है कौन सा फॉल्स है अब जीत जा रहे हैं डी के साथ अभिनव जा रहे हैं बी के साथ अपकमिंग इंजीनियर्स आप बी के साथ है शिवानशु बी के साथ है ठीक है अब देखो सबसे पहले तो ये मियोसिस होता क्या है मुझे ये समझ में आ जाए तो मियोसिस ये सेल डिवीजन की वो प्रक्रिया है जो सेक्स सेल में होती है किसमें होगी अब आपको के सर सेक्स सेल बोले तो लाइक स्पर्म सेल ओवम की हम बात करें तो वहां पर म्यूसिस होता है लेकिन इनके अलावा कहीं भी दिमाग में आ रहा है सर सेल डिवीजन हो रहा है बॉडी में कहीं भी आप जम सेल की बात कर रहे हो सर उन सभी जगह पर आपका मिटोसिस होगा तो जब सर ये सेल डिवीजन होता है म्यूसिस वाला सेक्स सेल की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो जरा इस पर डिस्कशन हो जाए तो देखिए जो मिटोसिस है नॉर्मल जो सेल डिवीजन होता है नॉर्मल इन द सेंस के सर यहाँ पे कट लग गया डिवीज़न होने वाला है तो उन सभी जगह आपका ऐसे चलेगा मिटोसिस वाले पार्ट में सबसे पहले होगा इंटरफेस फिर प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस टेलोफेज और फाइनली आपकी सेल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी साइटोकाइनेसिस हो जाएगा राइट right? लेकिन म्यूसिस में क्या होता है muses वाले केस में यहां पे जैसे स्पर्म सेल है यहां पे क्रोमोसोम्स जो अगर टोटल ट्वेंटी टू एन मान लो तो यहां पे होगा सर एन प्लस ओवम में भी सर मिलेगा एन और इन दोनों को मिलाने से सर बनेगा जयगॉट जिसको कहते हैं युग्मज ये बन जाएगा टू एन अब आप कहेंगे सर एक सेकेंड यहां पर दो चीज़ें हमको बताओ पहले तो ये ख़तरनाक लग रहा है इसकी कोई ट्रिक बताओ तो ट्रिक है प्रधानमंत्री चाहे हमारे देश के हों चाहे वो किसी भी देश के प्रधानमंत्री हों उनके पास इतना काम रहता है कि पूरे दिन भाई साहब देश को संभालना है ना तो काम करने के वो आती हो जाते हैं उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब कि पूरे दिन मतलब कितना काम कर रहा हूँ कितना नहीं कर रहा हूँ तो आपको याद करना है पीएम आती आती हो गए काम करने के तो बस वही ट्रिक है पी एम ए टी आई पी एम आती अब दूसरा जो म्यूसिस होती है तो इस होता क्या जब पापा से मिलते हैं स्पम सेल तो आधे सूत्र मम्मी से मिलता है अंडप उसमें आधे सूत्र मिलकर ये पूरा बना देते हैं तो अब सर यहां पे हो क्या रहा है <coughs> क्रोमोजोमल नंबर यहां पर हाफ हो गया ये देखिए ये है मिटोसिस बस यहां पे दो में डिवाइड हुआ काम खत्म लेकिन म्यूसिस वाले फेज में देख रहे हैं यहाँ पे डीएनए एन हुआ दो डॉटर सेल उनके भी दो तो बेसिकली यहाँ पे जो क्रोमोजोम्स का नंबर है वो सर आधा हो जाता है डेट इज क्रोमोजोम्स का नंबर हाफ सो बिल्कुल शिवानशु जैसा आप कहें वैसे बना लेंगे तो अब आपको क्या समझ में आया यहां पर क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था कि सर एज अ अंस ऑफ म्यूसिस नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इज डबल्ड सरासर गलत लिखा है भाई साहब बिल्कुल गलत क्यों क्योंकि म्यूसिस आधा होता है ये चाचा कह रहे हैं कि डबल हो जाता है बिल्कुल गलत है सर और हमसे यही पूछा था कौन सा नहीं है ट्रू कौन सा फॉल्स है तो सर फॉल्स क्या है यही है क्योंकि ये सर क्या हो जाएगा आधा सबके दिमाग में सेट हुई वाली बात तो सर जब भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है जब भी प्रजनन होता है तो जहां पे क्रोमोजोम्स की बात आती है यानी गुणसूत्रों की बात आती है तो आधे गुणसूत्र मिल रहे हैं पिताजी से शुक्राणु के माध्यम से आधे गुणसूत्र मिल रहे हैं मम्मी से अंडप के माध्यम से यानी एक्सेल के माध्यम से जब वो दोनों मिल जाते हैं तो एक जाएगाट बनता है जिसको बोलते हैं युग्मनज और वो जो युग्मनज है ये पहुंचेगा गर्भ वाले भाग में यूटरस में जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो हिंदी में कहते हैं भ्रूण और फिर धीरे धीरे उस भ्रूण में आंखें आएंगी हाथ आएंगे पैर आएंगे और धीरे धीरे करके बेबी का डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस तो क्या हो रहा था म्यूसिस में सर गुड़सूत्री मात्रा आदि हो रही थी यहां कह रहा था चार गुना हो रही है सॉरी यहाँ कह रहा था दुगनी हो रही है गलत है सो आई गेस ये पॉइंट सबको समझ में आया नेक्स्ट सो so, सर हमको ये वाली बात भी पल्ले पड़ गई अब सर ये चीजें हमको क्लियर है ये भी हमको समझ में आ गया एनिमेशन अब बढ़ते हैं आगे अब सर किस में कह रहे हैं सर यहां पर न्यूक्लियस का किसमें बेटा न्यूक्लियस तो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है बेटा राइट सिद्दगी देखो होता क्या है आपने जैसे बोला प्रोफेज तो प्रोफेज आपकी पहली स्टेज हो गई एक तरह से रेस्टिंग फेज के बाद पहली स्टेज ही आपकी प्रो आपकी प्रोफेज़ है सो न्यूक्लियस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग देयर बस उसमें क्या धीरे धीरे करके चेंजेस आने स्टार्ट होंगे जैसे ही कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट हो जाएगा आपका प्रोफेज वाले पार्ट में सिद्ध की उसके बाद सर जो गुड़ सूत्र हैं जो, जो सेंट्रोमियर वाले पार्ट से थे वो स्प्लिट होंगे फिर वो एक इक्विटोल प्लेन में आ जाएंगे फिर सर अलग अलग न्यूक्लियर एनवलप बनेगा और साइटोगैनिसम वो अलग अलग हो जाएंगे सॉटेट चलो अब इसका बताओ किस कोशिका को कोशिका के अंग को कोशिका का स्वामी कहा जाता है विथ सेल इज नोन एज दी मास्टर ऑफ दी सेल ये देख के कौन आंसर देगा क्योंकि यहां पर करेंगे मैक्सिम बच्चे गलती तब तक पानी पी लो फिर देखता हूं कौन कौन गलती कर रहा है यहां पे सो so, इंजीनियर साहब जा रहे हैं डी के साथ वो भी आग लगा के जीत जा रहे हैं बी के साथ इंजीनियर साहब हैं डी के साथ अविनाश जा रहे हैं डी के साथ आदित्य डी के साथ हैं सौरभ डी के साथ हैं इंजीनियर साहब डी के साथ हैं अविनाश डी के साथ एक एक बच्चा सही है देखो मुझे लग ही रहा था कि माइटोकांड्रिया कुछ लोग कहेंगे लेकिन माइटोकोटे आंसर नहीं बेटा इसका आंसर है न्यूक्लियस अब न्यूक्लियस से क्या क्या पूछ लेता है देखो न्यूक्लियस ही आपका ब्रेन ऑफ सेल कहलाता है यानी कोशिका का जो मस्तिष्क है कोशिका का जो मस्तिष्क है वो कौन है सर वो आपका न्यूक्लियस ही है पहली चीज दूसरा सर यही आपका सेल का मास्टर भी है mm -hmm. सर यहीं से पता है डीएनए जो आरएनए की हम बात करते हैं सर यहीं पे तो है मेन जो डिवीजन हो रहा है समझ लो सर इसी के कारण हो रहा है सो ये एक तरह से ऑर्डर दे रहा है जैसे अपनी क्लास में नहीं होते हैं क्लास मॉनिटर ए बहुत शैतानी कर रहा हूँ बता रहा हूँ सर से कह दूंगा सो बेसिकली वो न्यूक्लियस देख रेख करता है जो लोग माइटो आंसर दे रहे थे जो लोग माइटो आंसर दे रहे थे सर माइटो क्या है ये है आपका पावर हाउस यानी शक्तिग्रह देखते हैं बाकी और भी डिस्कशन करेंगे सो so अभी के लिए जो आंसर है सर हमारा वो है ऑप्शन नंबर डी राइट तो सर ये है आपकी सेल ये सेंटर में क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस यही सर आपका ब्रेन ऑफ द सेल है या फिर मास्टर ऑफ द सेल है अब सर यहीं पर एक लिक्विड और प्रेजेंट होता है जहाँ पे लिखा नहीं मुझे बताओ यहां पे जो लिक्विड प्रेजेंट है उस लिक्विड का नाम कौन बताएगा जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन को अलग अलग कर रहा है बिल्कुल माखन बिल्कुल अब माखन आंसर देना शुरू करो तो प्रश्न है मेरा ये जो आपका न्यूक्लियस है सर न्यूक्लियस के बाहर जिससे वो सेल मेम से अलग हो रखा है सर उसको क्या नाम है न्यूक्लियस से याद होगा न्यूक्लियो प्लेजम तो प्लीज याद रखिएगा यहां पे जो लिक्विड है इट इज न्यूक्लियो प्लेजम खैर अब डिटेल में धीरे धीरे करके और क्वेश्चन आएंगे पोलिस चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन <laughs> कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ी कोशिकांग कौन सा है विच ज दार्जेस्ट ये वो क्वेश्चन सर जहां पे ना सर हमको भले ही आंसर आते हो लेकिन यहां पे अब आप थोड़ा थोड़ा करके फंसने लगेंगे चलो बताओ सबसे बड़ा सर पार्ट कौन सा है विच इज दार्जेस्ट ऑर्गे ऑफ द सेल और ये जो सवाल है ये आपका आर आर बी का सवाल है तीसरी शब्द सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के किस पार्ट में प्रोटीन का निर्माण होता है सिद्धगी वो होता है रफ़ पार्ट में रीज़न इज़ कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रफ वाला पार्ट है ना खुदरा भाग बेटा वहां पे राइबोसोम प्रेजेंट है और राइबोसोम ही प्रोटीन की फैक्ट्री होती है तो वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट में जनरेट होगा राइट हाँ गुप्ता जी पहचान लिया अब आप आंसर दीजिए प्लीज़ आपके चश्मे अच्छे लग रहे हैं गुप्ता जी चलो अब आंसर दे दो नहीं तो बता रहे हैं पिट्टी कर देंगे बहुत देर हो गई तुम्हें मैं सो अविनाशस विद भी अपकमिंग इज विद बी बिल्कुल तो कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा जो कोशिकांग को होता है बेटा वो नाभिक होता है यानी न्यूक्लियस होता है राइट और आ, किसका डाउट था सिद्धगी आपके डाउट वाला क्वेश्चन अब आ गई है तो सर ये न्यूक्लियस हो गया अब आ जाओ यहां पे निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है सो <coughs> डीपी so, बिल्कुल सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनीज इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल सो वट यू थिंक सो लार्जेस्ट सेल ऑर्गन न्यूक्लियस और लार्जेस्ट सेल जो हमारी बॉडी में होगी वो ओवम बिल्कुल आ देते टोटली करेक्ट माखन बेटा देखो यहां पे मक्खन लगाने की जरूरत है नहीं राइट यहां पर जरूरत है सही आंसर देने की जिससे हमारे एग्जाम में गलती ना करें ठीक है गुप्ता जी <laughs> चलो अब आंसर दो बड़ा बट सो <laughs> <So, laughs> फिर भी थैंक यू सो गोइंग सोरवेज डी हुसैन बाबा बी के साथ जा रहे हैं सिद्दकी डी के साथ है इंजीनियर साहब डी के साथ जा रहे हैं शाही सरोज हमारे बी के साथ हैं नोवा बी के साथ हैं जीत बी के साथ हैं लेकिन डाउट में है ओके तो यहाँ पे सब लोग जड मैक्सिम डी के साथ जा रहे हैं अब सुनो <coughs> बेटा जो प्रोटीन की फैक्ट्री है ये क्या है प्रोटीन की फैक्ट्री एक्चुअली आपकी राइबोसोम होती है क्या होती है राइबोसोम ये ए वाले सवाल हैं सो अब इतना वाला पार्ट हुआ अब राइबो जूम सर कहाँ प्रजेंट है तो अब यहाँ पे थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं किसने बोला था सिद्दकी ने बोला था सर so, सिद्धकी ने यह बोला कि सर ये बताओ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कौन सा पार्ट है जहां से प्रोटीन का निर्माण होगा तो प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो मेन पार्ट एक स्मूथ एक रफ तो इसका जो रफ वाला पार्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर यहीं पे आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है और यहीं पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है यानी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइट right, जनता जनार्दन सो so, यहां पे जो आंसर होगा वो है राइबोसोम परफेक्ट नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने खुल जा सिम सेम यह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल्स सेल ऑर्गली इज ओनली फाउंड इन एनिमल सेल इसका बताओ निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है अब इसका आंसर कौन देगा <coughs> और ये सर इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे हम लोग फंसते हैं मैं आपको इमेज से भी दिखाऊंगा ये है क्या एग्जैक्टली थैंक यू उत्पल सेम टू यू बेटा उत्पल जाओ हाँ माखण बिल्कुल आंसर तो दो डाउट पूछो गुप्ता जी बिल्कुल सो so, यहाँ पे सवाल ये है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स सॉरी विच ऑफ द सेल ऑर्गनली सेल ऑर्गनली यानी इनमें से कौन सा कोशिका अंग या कोशिकांग बोल दूंगा केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है तो यहाँ पे देखो अविनाश जा रहे हैं डी के साथ आदित्य सी के साथ हैं अपकमिंग इंजीनियर साहब ए के साथ जा रहे हैं डी पी ए के साथ जा रहे हैं आ, उत्पल आंसर दो बेटा चलो सो so, इंजीनियर साहब ए के साथ जा रहे हैं जितने लोग ए के साथ जा रहे हैं बेटा आंसर आप कर रहे हो गलत सॉरी टू से बट लाइब लाइजो जो है सर ये एनिमल्स में और प्लांट्स में बेटा दोनों ही जगह मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा ठीक है सो ये तो नहीं है <coughs> अब कौन कह रहे हो बी के साथ कौन जा रहा है शिवानशु शिवानशु उत्पल बेटा देखो लाइजो का समझो पहले एक ही करके सबको काम समझाता हूँ देखो हुआ क्या सेल अच्छे से काम नहीं कर रही तो होता क्या है ये जो लाइज है ना इनके पास कुछ केमिकल्स हैं लाइज बी लाइक ए ढंग से काम नहीं कर रहे अब देंगे भी कंटा आप चलो काम करो ढंग से एक तरह से वो मान लो जैसे ना जो सिविल इंजीनियर से, से लिंक कर पाएंगे मान लो कहीं पे हम लोगों ने ना कहीं बिल्डिंग बन रही है अब वहाँ पे लेबर है कुछ लोग आराम से चिल मार रहे हैं थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं बैठ जाते हैं अपना बीड़ी वीड़ी लेके तब तक वहाँ पे ना जो सबके केयर टेकिंग जो है या पे मैं बोलूँगा साइट का जो इंचार्ज है वो सीधे पहुँचता अरे तुम बैठे हो काम करो चलो तो यहाँ पर एक तरह से वो साइट एंड चार्ज लाइजोम है जो सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग की देख कर रहा है अगर पूरा का पूरा कार ढंग से नहीं होता है तो ये क्या करता है केमिकल छिड़क देता है और सर सेल वहीं के वहीं नष्ट इसलिए इसको सुसाइडल पैकेट्स या कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं राइट बिल्कुल ऐसी मान लो कि लेबर का पूरा का पूरा एक गैंग आइए अब वो ढंग से काम नहीं कर रही है साइड एंड चार्ज भी लाइक कल से तुम में से कोई भी नहीं आएगा कल से हम दूसरे देख लेंगे कैटेगरी सो बिल्कुल वैसी लाइजोम है अगर सेल ढंग से काम नहीं कर रही है पूरी की पूरी सेल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी ध्वस्त कर देगा बाय रिलीजिंग केमिकल्स इसलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल पैकेट्स एग्जाम में पूछ लेता है और जो सुसाइडल पैकेट्स हैं ये सर आपके एनिमल्स प्लांट्स दोनों जगह प्रेजेंट हैं तो ये वाला पार्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होगा राइट सिद्दीकी अब गोल्गी बॉडीज की बात करें सर ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन तो जो लोग गोल्गी बॉडीज कह रहे थे अगेन सर ये भी आपका एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में मिलेगा तो जितने भी लोग सर यहाँ पे बी के साथ जा रहे थे वो भी गलत अब आ जाओ सी वाले ये जो आपका सेंट्रोजोम वाला पार्ट है सेंट्रोजूम सर ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनिमल में मिलेगा तो यहां पे जो आंसर है वो है सेंट्रोजोम राइट राइबोसोम के बारे में आपको बता दिया था सो सब लोगों को इतनी चीज क्लियर हो गई चलिए तो यहां पर जितने भी लोग सेंट्रोजोम के साथ जा रहे थे वही था ये काम क्या करता होगा तो यहाँ पे सर ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में सेंट्रोसोम जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में अब इसकी खोज किसने की है ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में <coughs> इसकी खोज किसने की है डू नो तो यहाँ पर याद करने का तरीका है आ, आपने गाना सुना है बाहर से कोई अंदर ना आ सके अंदर से कोई बाहर ना जा सके सोचो अभी ऐसा हो तो क्या हो सो so, यहाँ पर ना ये जो शूटिंग है ये सोममर्ग वाले पार्ट की नहीं गुलमर्ग वाले पार्ट की है जहाँ पर रणबीर कपूर के पापा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है ऋषि कपूर सो so, ऋषि कपूर का गाना राइट right? सो so, अब वहीं से मैं यहाँ पर लिंक कर देता था वो जो मूवी थी उस मूवी का नाम था बॉबी तो मैंने ऐसे याद किया था ये मेरे याद करने के तरीके लग रहे हैं हमेशा से तो आप लोगों को मैं वही तरीके बताता रहता हूँ बॉबी मूवी से याद होगा बोबेरी तो मैंने यहाँ पे याद कर रहा है बोबेरी से तो बॉब आपको बॉबी मूवी से याद हो गया बॉबेरी राइट सो बोबेरी इज दी वन हु हैज एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस सेंट्रोजोम ठीक है सो so, यहां पे इतनी चीज हो गई नेक्स्ट सो सेंट्रोजोम की हेल्प से यस yes. तो so, इतनी चीज सॉर्टेड है नेक्स्ट अगले पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं तो so, यहां पे सर देखो ये है एनिमल सेल अब एनिमल सेल में अगर मैं यहां पे बात करूं सेंट्रोजोम कहां प्रेजेंट है सर दिस इज सेंट्रोजोम देख रहे हो ये वाला पार्ट सो दिस इज सेंट्रोजोम और यही वो सेंट्रोजोम है वट तो हेल्पिंग इन सेल डिवीजन एंड इट वॉज तो डिस्कवर्ड बाय बोबेरी आई गेस इट इज क्लियर तो 1888 में इसकी डिस्कवरी हुई थी सो so, यहां पे सर, मैंने मेंशन भी कर दिया टी बोबेरी इन 1888, राइट ऐसी का भी अगर आपसे पूछ ले सो so, लाइजोजोम वाला पार्ट डेट इज क्रिश्चियन डी ड्यूव चलिए सर ये भी डन सो so, अब सर बच्चे का भी बच्चा सवाल आ गया अब सर इतने सवालों के बाद एक बच्चा क्वेश्चन तो बनता ही है इसका आंसर बताओ वॉट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जीवन की मूल इकाई क्या है अब ये तो सर शायद ही कोई होगा जो आंसर ना दे पाए अब सोचो ये सवाल आपका ए में पूछा गया है 2018 में अब कैसे काम चलेगा सबको पता है सर हम लोग जब संसार में आए हैं तो किसकी मदद से आए पापा और मम्मी की मदद से सिंपल सी बात पापा से क्या मिले स्पम मम्मी से क्या मिला ओवम और ये दोनों के दोनों क्या हैं ये दोनों के दोनों सैली तो हैं तो हमारे जीवन की जो मूलभूत या बेसिक यूनिट है बेटा वो सैली है और इसी सेल में जब ये दोनों कंबाइन हुए तो जायगोट बना अब इसी जायगोट में धीरे धीरे करके चेंजेस हुए एक से दो सेल दो से चार चार से आठ एंड सो बेसिकली so हमारे जो जीवन की मूलभूत इकाई है सर वो है सेल जब ढेर सारी सेल इकट्ठी होती हैं तो ऊतक बनता है जब ढेर सारे ऊतक इकट्ठे होते हैं तो अंग बनता है और जब ढेर सारे ऑर्गन्स या अंग हमारा दिल जिगर सब चीज़ इकट्ठी हो गई पूरा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है राइट right? <coughs> uh, सर की कोई सवाल हो तो आप किसी भी टाइम पर कभी भी पूछ सकते हैं आप तो कनेक्टेड हैं सो so, बिल्कुल आ देते तो अब सर जैसे कि मैंने बताया वसंत पंचमी का स्पेशल ऑफर है तो यू कैन यूज दी कोड वाई सेवन टू थ्री एंड कैन अवेल दी मैक्सिमम डिस्काउंट राइट वहाँ पर एक्सपर डबल वैलिडिटी है वहाँ पर मतलब ये होता है कि आप कोई भी अगर बीच में एग्जाम आता है तो आपको अलग से कोई बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन दिस तो यू कैन टेक इट जहा डी मिल रही है सेवेंटी एट परसेंट एम एक्से डिस्काउंट एप्लीकेशन के थ्रू यू कैन यूज द कोड वाई सेवन टू थ्री सो एक सर मैं होमवर्क क्वेश्चन दे जा रहा हूँ आप लोगों को वॉट टाइप ऑफ सेल डिजन इज यूज टू रिपेयर इंजरी इन दी बॉडी शरीर में लगी चोट को ठीक करने के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन का उपयोग किया जाता है अब अगर ये आंसर गलत किया मैं सच बता रहा हूं कैमरे में से निकलना सबकी होगी पिट्टू एक इधर से एक इस गाल पे क्यों क्योंकि इसके बारे में मैंने अभी आपको क्लास में बताया था इसीलिए जानबूझ के इसको मैं होमवर्क क्वेश्चन के रूप में दे जा रहा हूं एक एक बच्चे से चाहे वो आई आई वाले हों चाहे वो इंजीनियर्स वाले कैंडिडेट्स हों सब लोग इसका आंसर देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि जब कभी चोट लगती है तो शरीर में लगी चोट को ठीक करने के लिए किस प्रकार की कोशिका विभाजन का उपयोग किया जाता है सिर्फ मिटोसिस सिर्फ म्यूसिस दोनों मिटोसिस और म्यूसिस या फिर ना ही मिटोसिस ना ही म्यूसिस ये आपका एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन था ए का सो थैंक यू फॉर बींग सच ए वंडरफुल ऑडियंस तो अब यहाँ पर आप लोग फटाफट से मुझे एक बार ना क्योंकि चैट में मुझे केवल कमेंट सेक्शन में दो ही बच्चों ने बोला एक ने बोला सर मुझे टॉपिक वाइज चाहिए एक ने बोला मुझे मिक्स चाहिए तो क्या अभी हम मिक्स टॉपिक वाइज क्वेश्चन ही चलाएं तो कल का जो अपना चैप्टर रहेगा फिर मैं न्यूट्रिएंट्स वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछूंगा तो हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमने स्टडीज देख लिया आज हम सेल वाले क्वेश्चन देख रहे थे तो कल दो तीन क्वेश्चन और सेल के देख लूंगा उसके बाद मैं न्यूट्रियस पर आना चाह रहा हूँ तो क्या आप लोग अपना लेवल चेक करना चाहेंगे कि हम लोग किस लेवल में है और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो अभी मैं टॉपिक वाइज अभी बायो स्टार्ट करिए फिर मैंने सोचा उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री पे हूँ एंड इफ़ यू फील लाइक कि नहीं सर हमें तो पूरा रिवीजन चाहिए बस ताबड़ तोड़ बैटिंग करनी है तो आई कैन गो विद दैट मिक्स पार्ट एज वेल तो एक बार मुझे प्लीज़ यहाँ पे बताइएगा सो so, माखन पूछ रहे हैं सर ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता? होता है फर्टिलाइजेशन बेटा माखन होता है फेलोपियन ट्यूब में ठीक है सो so, टॉपिक वाइज ही रखें ना जीत ठीक है ठीक है तो टॉपिक वाइज ये भी रखते हैं जब आप लोग कहेंगे अगर कहीं चेंज करना तो कर लेंगे ठीक है सो थैंक यू फॉर बींग सच एमंडर वंडरफुल ऑडियंस तो कल के लिए जो आपके लिए बता दूँ कल जो आप रिवाइज करके आएंगे कल हम लोग पोषण पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स के पी वाई क्यू देखेंगे न्यूट्रिएंट्स के पी वाई क्यू आर आर बी ए एल पी प्लस आर आर बी जी ठीक है तो कल ही अपना होमवर्क हो गया तो टॉपिक वाइज रखते हैं सो थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस बाय बाय एवरीवन टेक केयर जय हिंद एंड यस। लव यू ऑल 你说你哪里来的？你说你哪里来的？我 <music>，阿哥，你过来，你过来，从前面那边儿，那边儿，那边儿，那边儿，那边儿，那边儿，你别，你不要那样说，阿哥会吓你，干什么？你不要说，让你吓。